वाराणसी में होने वाले उपचुनाव ने पूर्वांचल के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने बड़े जोर शोर से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं गुरुवार को सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। तभी पुलिस और सपा समर्थकों की झड़प हो गई। आरोप है कि सपा के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने कलेक्ट्रेट में बने नामांकन केंद्र के अंदर जाने से रोक दिया। इस पर सपा के कार्यकर्ता भिड़ गए। करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। दरअसल सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह तय कार्यक्रम के मुताबिक अपने नामांकन दाखिल करने पहुंचे, मगर इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं का पुलिस से विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार नामांकन के लिए केवल 5 लोगों की कक्ष के अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन 5 से ज्यादा सपा कार्यकर्ता अंदर जाना चाहते थे। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि पुलिस ने 60 वर्षीय पार्टी जिला अध्यक्ष को धक्का दिया और वो सिर्फ 5 ही लोग थे जो नामांकन कक्ष में जाना चाहते थे। 5 आदमी को जाना है, 4 आदमी जाना चाहते हैं। ठीक है, चल जाओ। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अंदर जाते समय सपा जिला अध्यक्ष को पुलिस ने जबरन रोक दिया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी के पर्चा दाखिल करते समय भाजपा के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि अंदर प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 लोग ही जा सकते थे। सपा जिला अध्यक्ष से धक्का मुक्की होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में ही हंगामा हो गया। पुलिस और सपा नेताओं में नोकझोंक होने लगी। ये प्रशासन के लोग पर्चा दाखिला के समय जिला अध्यक्ष का प्रोटोकॉल है कि वो प्रत्याशी के साथ जाएगा, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने बताया पुलिस ने पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की कर दी। पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं होगा। कम से कम पुलिस को सलीके से पेश आना चाहिए था। बिना धक्का मुक्की किए भी रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, इसलिए पार्टी के बुजुर्ग जिलाध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की की गई। मांकन में यह था कि हम लोग 5 लोग ही सिर्फ जाएंगे, प्रस्तावक, प्रत्याशी और पार्टी के जिलाध्यक्ष। लेकिन यहाँ एक इंस्पेक्टर महोदय हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो कि 60 साल की उम्र के, उनको धक्का देते हुए कहा कि नहीं, सरकार का आदेश नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। तो हम लोगों ने बस यही पूछा कि 5 लोग तो आप जाने दे सकते हैं, लेकिन अब देखिए सरकार के एजेंट बने अधिकारी बैठे हुए हैं और आपने देखा है कि किस तरह बदतमीजी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनकी बदतमीजी का जवाब घोसी की जनता देगी और आने वाले चुनाव में इनको इतने वोटों से हराएगी कि ये लोग शर्मसार हो जाएंगे। इनसे कहना है कि 5 लोग के अलावा जिला अध्यक्ष छठवें थे। आप देख लीजिए कि 4 लोग के अलावा जिला अध्यक्ष पांचवें थे। दरअसल 5 सितम्बर को घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए 17 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तक भाजपा के दारा सिंह चौहान और अन्य 4 चौहान नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र घोसी सुरेश कुमार ने बताया कि अब तक 4 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में बीजेपी से दारा सिंह चौहान ने 3 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा आप से राजकुमार चौहान, जनता क्रांति पार्टी से मुन्नीलाल चौहान और सुनील चौहान ने जनराज्य पार्टी से 1-1 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।